टेबलस्पून। बताएंगे नहीं कि किस चीज के लिए हम बना रहे हैं ऐसी व्हाइटनिंग जिसकी तारीफ या जिसको समझेंगे आप रिजल्ट को देखने के बाद। आज धुआंधार व्हाइटनिंग आप लोगों को दिखाएंगे कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ऐसी व्हाइटनिंग इमरजेंसी आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इसमें मैं आधा चम्मच मिलाऊंगी ग्लिसरीन। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है, बहुत तवज्जो के साथ देखना है कि आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाए। दो चीजें होगी, इस मास्क को व्हाइट मास्क आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ये उतना ही व्हाइट हमें रिजल्ट देगा। अब हमारे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड आप लोग अच्छे से दिखा देते हैं कि आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक हो गया जी, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा ताकि आप लोग को किसी किस्म की कोई टेंशन न रहे कि क्या चीज ऐड की क्या नहीं। अब इसमें एक चम्मच में मिलाऊंगी हाइड्रोजन का, क्योंकि मैं हाथों पे अप्लाई कर रही हूँ और टेंशन इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपको इसका डेमो करके दिखाऊंगी। और अगर आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर रही हैं तो आप टीस्पून का चौथा हिस्सा शामिल करेंगी, उससे भी आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा मैं भी आपको दिखाऊंगी। क्योंकि हाथों पे अप्लाई करने के लिए सूर्यहाल कुछ और है, चेहरे की स्किन सेंसिटिव होती है, लेकिन एक चौथाई हिस्सा मिला सकते हैं। इन दोनों चीजों को, तीनों चीजों को मिलाने के बाद आप देखेंगे थोड़ा इस तरह से इसको पेस्ट की शक्ल में लाना मुश्किल है, अप्लाई करना मुश्किल है। अब इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे नारियल का तेल, सिर्फ चांद कतरे, इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद क्या होगा कि हमने इसे अप्लाई करना है। सिर्फ हाइड्रोजन की पाबंदी है, अगर चेहरे पर अप्लाई कर रही है तो आप एक टीस्पून का चौथा हिस्सा लेंगे। ये देखे डेमो इसलिए करके दिखा रही है, अप्लाई करना मुश्किल है, ये आपके हाथ से गिर जाएगा, अच्छे से पेस्ट की तरह अप्लाई नहीं करेंगे होगा। तो अब इसको पेस्ट की शक्ल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई गेस करेगा जी? हम इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे, आधा टीस्पून, और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद ये देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आपने फाइनली इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। चेहरे पर अप्लाई करने के लिए एक चौथाई हाइड्रोजन परऑक्साइड टीस्पून, एक चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा, उससे भी आपको इतनी व्हाइटनिंग मिलेगी। आपने परेशान नहीं होना, हाथों की स्किन थोड़ी हार्ड होती है इसलिए हम उसमें ज्यादा मिला रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो अच्छा, ये हमने इसे अपने हाथ के ऊपर अप्लाई करेंगे, आपने चेहरे पर अप्लाई करना, देखिए अप्लाई करना कितना आसान हो गया। फाइनली मैंने अपने हैंड पे इसे अप्लाई कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको कितने देर के लिए छोड़ूंगी, 30 मिनट के लिए। अगर आपने चेहरे पर अप्लाई किया है तो आप इसे 20 मिनट देंगे, ओनली 20 मिनट्स। ठीक हो गया जी, 20 मिनट के बाद अब क्या होगा कि ये ड्राई होगा या नहीं होगा, हमने इसको वॉश कर देना है। वॉश करने से पहले भी एक स्टेप है, जैसा कि ये देखिए 30 मिनट के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये काफी थिक मैंने अप्लाई किया था, ये ऑयल हाथ के ऊपर आया हुआ है तो ये जरूरी है। इससे चूंकि जितनी सर्दी पड़ रही है उससे आपके हाथ ड्राई नहीं होंगे और नारियल के तेल से बहुत ज्यादा व्हाइटनिंग आती है। अच्छा जी, अब जो आपके पास कच्चा दूध है उसे आपने अपने चेहरे पर या अपने हाथ उस दूध से थोड़े व्हाइट करने, गीले करने, और स्लोली स्लोली यानी आहिस्ता आहिस्ता गोलाई में अपने चेहरे पर मसाज करना है। इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से। ठीक हो गया, इस तरह से करने के बाद फाइनली हम इसको वॉश करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए के रिजल्ट आपको यही नजर आ चुका है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए
اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ